लगातार पड़ रही भीषण गर्मी ने आम लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। तापमान लगातार 42 डिग्री से पार पहुंच रहा है। गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनों के साथ साथ पशु पक्षियों का भी ख्याल रखते हैं। जी हाँ, इस गर्मी में इंसान तो अपने रहने खाने का इंतजाम कर लेता है, लेकिन बेजुबान पक्षियों और जानवरों का ख्याल कौन रखे। इस भीषण गर्मी में पानी सबको चाहिए, पक्षियों और जानवरों को भी। इनके लिए भी इंसान को इंतजाम करने पड़ेंगे। पक्षी और जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन गला इनका भी सूखता है। हालांकि इस दौरान शहर में हम कई लोगों से मिले जो रोजाना इन पक्षियों के लिए पानी रखते हैं और खाना भी खिलाते हैं। इन लोगों से जब हमने बातचीत की तो इनका कहना था कि ये बोल नहीं सकते, लेकिन इंसान को इनका भी ख्याल रखना चाहिए और रोजाना अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निकाल कर इनके लिए भी बर्तन में पानी रखना चाहिए। साथ ही कुछ खाने के लिए भी अवश्य रखें, ताकि ये बेजुबान भूखे प्यासे ना मरे। उन्होंने कहा कि वे रोजाना अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निकाल कर ये कार्य करते हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए वे लोग भी अपने घरों के बाहर पानी जरूर रखें, ताकि ये बेजुबान भी जीवित रह सके। सर जी, थोड़ा डेली का रूटीन है जेड़ा तुसी पानी और दाना पांदे हो? हाँ जी सर जी, असी डेली का रूटीन है, पक्षियों वास्ते हर किसी नूं पाना चाहिए। असी डेली पांदे पानी ते दाना भी, जो घर दे विच थोड़े रोटी कुछ बचती है वो भी पाओ पक्षियों नूं। इदां पानी दे डोंगे ठुल्ले रख लिया के रखने चाहिए मिट्टी दे, इहदे नाल पक्षियों का ही जीवन वधदा है, उहदे नाल सानूं भी बड़ा अच्छा लगता है, हर किसी नूं करना चाहिए। सर, गर्मी का मौसम आम आदमी का बुरा हाल है, तो पक्षी का बोल भी नहीं पाते? अभी पुछो ना, पक्षियों का जे पक्षी पानी ना पान लोग का बहुत बुरा हाल है। हर किसी नूं पाना चाहिए, अपने एरिए च, अपने घर च, अपने शहर च, हर किसी नूं, हर कोई इदा करे तो इहदा पक्षी होंगे तो ता ही अच्छा जीवन जाएगा। भाई साहब, अज तुसी जानवरां नूं, पक्षियों नूं, बेजवान पक्षियों नूं अज पानी और रोटी पाई है। हाँ जी, की कहना चाहते हो इहदे बारे में? बेजवान पक्षी, बेजवान पक्षी है और इन्हों नूं भी चाहिए कुछ है, तो ये बोल तो सकते नहीं है, इस वास्ते आप जो हो सके कर दें। गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, ठीक है ना। साडा धर्म भी बन, साडा धर्म भी बनता है जी, ठीक है ना जी। बोल दिल तो जो दिल तो है सर, अज तुसी ये पानी और दाना पाया है, हाँ जी, रोज़ का नियम है? ये साडा रोज़ का नियम है जी। ये बेजवान पक्षी मिट्टी के घड़े इत्थे रखे हुए ने, मैं तो यही कहना कि हर घर के विच मिट्टी के घड़े ते रोटी जरूरी, बेजवानों नूं पानी चाहिए है। बेजवान पक्षी बोल भी नहीं सकते, तो इन करके असी करीद। सर, इन्ना गर्मी का मौसम है, गर्मी इंसान जड़ा है वह भी, ये पक्षियों का की हाल होंगे? पक्षियों का तो बहुत बुरा हाल है जी। मैं तो कह रहा हरेक घर के मिट्टी के घड़े पानी तो रोटी जरूर देनी चाहिए है। करम भी है, एक करम भी साडा बनता है जी, धर्म भी बनता है। सब तो वड्डा पुन यही है। अच्छा, तुसी हुण मैं देखा है तुसी पानी पा रहे हो, थोड़ा डेली रूटीन का काम है पशु पक्षियों में इस तरह पानी पाने? हाँ जी, हाँ, ये जिम्मेवारी है, क्योंकि ये साड़ी जिम्मेवारी बनती है इंसान नूं जिहड़ा परमात्मा ने भेजा। ये पशु पक्षी जिहड़े जानवर है, ये भी इंसान के नाल ही है, सब जिम्मेवारी बनती है इंसान की। कितना जरूरी है इन्हां नूं पानी और दाना पाउणा? बेजवान पक्षी देखो, ये बोल तो सकते नहीं है, भुख तो इन्हों भी लगती है, प्यास तो इन्हों भी लगती है। गर्मी च इंसान का गर्मी इन्नी गर्मी पै रही है, इन्नी गर्मी के बीच इंसान का बुरा हाल है, तो इन्हों का की हाल होगा? ये तो बेचारे बोल भी नहीं सकते। अपना फर्ज समझ ये हर इंसान का फर्ज है जी, मेरा कि हरेक का फर्ज बनता है। पानी और दाना, हाँ जी, हाँ, पानी पाओ, दाना पाओ। जे थोड़े एक अद्धी रोटी कोई फालतू बनती है तो वह रोटी अपना चूरी करके पा दो। ये दान का दान जिस तरह कह करते भी दान भी है, सब तो बड़ा दान है। सर, जेड़ा तुसी ये पक्षियों वास्ते पानी पा रहे हो जी, इन्नी गर्मी आ, आम इंसान का रहना दुश्वार होया गया जी, तुसी डेली
ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਸੇਰੂ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਪੇ ਵੀ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਤੇ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ ਜਬ ਹਮ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲਓ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ 5 ਬਿਘਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੋ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਪੰਛੀ ਹੈ ਇਨਕੋ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਣੀ ਕੇ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਸਭ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੋ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਏ ਇਨਕੋ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਏ ਔਰ ਇਨਕੋ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾਏ ਸਮਝ ਲਓ ਤੋ ਇਹ ਤੋ ਸਭ ਹਮਾਰੇ ਸਭ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾ और समझ लो ये तो बेजुबान है बेचारे, इनको तो समझ लो हमारा सबका फर्ज बनता है पानी पिलाओ इनको और दूध पिलाओ इनको और जहाँ तक हो दाना भी डालो समझ लो और जहाँ जितना भी हो सके मतलब करना चाहिए। इस तरह से लोगों के घर हैं, हाँ जी, आप कहना चाहोगे वहाँ पे भी घर के मिट्टी के कटोरे रखें और दाना पक्षियों को डालें? मैं तो सबको चंडीगढ़ के नागरिक को सबको हाथ जोड़ कर निवेदन है, सबको कहना चाहता हूँ कि सबको ही समझ लो पानी अपने अपने घर के आगे रखें और समझ लो पक्षियों पंछियों को और डोगियों को पानी पिलाएं और समझ लो सबका ख्याल रखें, जैसे हम इंसान हैं जैसे ये भी हैं इनको भी ख्याल करना चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन है सबको कि सबको ही समझ लो बाहर पानी रखें और पानी पिलाएं और दूध पिलाएं और समझ लो सेवा करें इनकी।